हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह एंड आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ एंड उससे ना मेरे फेस में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे लिए वो प्रोडक्ट था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग भी उसे यूज़ करिए। एंड काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग, तो इसी वजह से मैं उसका रिव्यू लेके आई हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, तो आप लोग उसे और ज़्यादा यूज़ करो। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिल जाए। बहुत लोग जैसे परेशान होते हैं अपने स्किन को लेके कि ड्राई स्किन जिसकी होती है या फिर ऑयली स्किन होती है, तो आप उसमें क्या यूज़ करें, कैसा मतलब आप यूज़ कर अपना फेस ग्लोइंग कर सकते हो, मैं आज उसके बारे में बताऊंगी। उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूंगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा वो क्या प्रोडक्ट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली रूटीन में, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को वो मैं बताऊँगी कि क्या प्रोडक्ट है। वो है हिमालय का मॉइस्चराइज़र एलोवेरा फेस वॉश, जिसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है और इतनी ज़्यादा इसमें ग्लोइंग होती है और इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर यूज़ करिए, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं, एवरीथिंग लोग यूज़ करते हैं इस फेस वॉश को, तो आप लोग भी इसे और यूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र एलोवेरा फेस वॉश में ये आपको 100 ml का मिल जाता है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये आपको ओनली मिल जाता है 140 में आराम से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि किसी का ड्राई स्किन होता है, ऑयली स्किन होता है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा है ये। इसकी वजह से अगर आप इसे यूज़ करते हो ना तो आपके फेस में दाने होने वाले हैं, ना ही पिंपल्स होंगे, ना ही काले गिरे जो हो जाते हैं। बहुत ही मतलब कि ये इफ़ेक्टिव है अगर आप इसे यूज़ करते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर आप ये एलोवेरा फेस वॉश को यूज़ करते हैं तो आपके फेस में कभी भी दाने, मुहासे, कील जो भी होती हैं, जो ब्लैकनेस आ जाती है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं जिसके फेस पर, अगर आप इसे अप्लाई करते हो, अगर आप इसे यूज़ करते हो, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि आपके फेस में ये इफ़ेक्ट करे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम लाए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा ये नॉर्मल होता है और आपको ना इसमें विटामिन ई है, नेचुरल है कि इसमें मतलब कि कोई भी, और जिसकी ड्राई स्किन अगर आप वो यूज़ करते हो, जिसकी ड्राई स्किन है अगर आप उसमें यूज़ करते हो, ड्राई स्किन वालों को यूज़ करते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है उनके लिए। एंड ऐसा नहीं है कि जिसकी ऑयली है तो वो यूज़ नहीं करे, आप ऑयली स्किन के लिए भी आप इसे फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको हार्म करे। तो आप लोग एलोवेरा फेस वॉश को आप लोग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, मेरे लिए तो ये काफ़ी ही अच्छा है। आपको इसमें सारे जितने भी पिंपल्स वगैरह होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, तो वो सब ये रिमूव कर देता है, काफ़ी अच्छा है ये शाइनी हिमालय का मॉइस्चराइज़र। आपको अगर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें खीरे का एलोवेरा का ही ओनली मिल जाता है और ये आपको अच्छे रेट पर इफ़ेक्टिव आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से 140 का ये आराम से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड नेट ये आपको 100 ml का ये मिल जाता है,
ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं तो इसे यूज़ करती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा फेस वॉश यूज करते हो। दोनों ही स्किन में आप यूज़ कर सकते हो। ये इतना ही मतलब कि नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हाई इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ी होती हैं, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो एलोवेरा फेस वॉश को। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैं अपने फेस पे यही अप्लाई करती हूँ, और इसे यूज़ करने से ना मेरा फेस इतना सॉफ्ट, इतना स्किन में मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड दाने, जो दाने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ये डार्क स्पॉट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी सारी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड ये हिमालय का है। हिमालय का तो आप जानते ही हो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, तो हिमालय का अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर है। एक पतंजलि का भी आता है मॉइस्चराइज़र एलोवेरा फेस वॉश, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं तो इसे यूज़ करती हूँ, ये मॉइस्चराइज़र एलोवेरा फेस वॉश को। और ये जिसकी स्किन ड्राई होती है वो भी यूज़ कर सकता है, ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये कुछ ज़्यादा हाई रेट में आपको नहीं मिलता है, ये आपको लो रेट में भी मिल जाता है। ओनली ये 140 का है। एंड ये आप लोग आराम से परपर कर सकते हो, बाय कर सकते हो। एंड ये कूल एंड सॉफ्टनेस ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो। मैं तो ये मॉइस्चराइज़र का एलोवेरा फेस वॉश यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें विटामिन ई भी होता है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। एंड मेरी स्किन तो ये इसी से ग्लोइंग रहती है, तो आप लोग भी यूज़ करके मुझे बताइए कि आप लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो इसे ही यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद मेरा बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक यू सो मच।